एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में बात करेंगे यूनिट वाइज, और साथ साथ में क्वेश्चन पेपर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको भी दिखाऊंगा। और उसके अलावा अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। जी हाँ, आर यूनिट यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव जितने सारे यूनिट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, अदर इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन पेपर, सारी चीज़ें। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अपडेट? ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा सब्जेक्ट का क्या नाम, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और इस सब्जेक्ट का कोड आपको पता ही होगा क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं BAS 104 या BAS 204, दोनों में से कोई भी एक कोड है, तो आप इसको आप देख सकते हैं। और जो ओल्ड वाले स्टूडेंट यानी जो जो इसके पहले वाले जिनके आपके बैक पेपर वगैरह है, वो लोग भी पढ़ सकते हैं। नियर अबाउट सिलेबस सेम है, सिलेबस अगर आप चाहें तो मिला सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट यूनिट है आपकी एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम की, इसमें क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टॉपिक आपको इसमें आपको देख सकते हैं क्या है, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट और कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट और सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों में से दो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हालांकि दो अगर नहीं आए तो एक ही, कम से कम एक तो आएगा ही आएगा, लेकिन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट और कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ये दोनों आने के चांसेस है। और सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट। दूसरा इसमें बन सकता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वाला, बट आप इसको भी देख सकते हैं, दोनों में से कोई एक आने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस क्या है, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस क्या है, और नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, जी हाँ, पब्लिक को ज़रूरत क्या है अवेयरनेस करने की, तो स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस और नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, बैलेंस इकोसिस्टम। अब देखो, इको काफ़ी इस जो है इन्वायरमेंट का जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, फिर भी मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की। हालांकि शॉर्ट क्या लेंदी हो ही गया है, लेकिन फिर भी आप जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों को मत छोड़ना, ठीक है, और को हो सके तो सभी को पढ़ लेना। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम और बैलेंस इकोसिस्टम सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें एक और इसमें ऐड कर दिया हमने क्वेश्चन, फूड चेन फूड वेब, तो आपको फूड चेन फूड वेब के बारे में दे सकते हैं, हो सकता है वो भी पूछ ले। नेक्स्ट यूनिट आपसे यूनिट नंबर टू कौन कौन से क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, और इसमें सारे रिसोर्सेज हैं जैसे कि वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज। तो वाट नेचुरल रिसोर्सेज में आपको इसका क्लासिफिकेशन देख लेना है। वाटर रिसोर्सेज में यहाँ पर देख सकते हैं वाटर रिसोर्सेज है, इसमें आपसे पूछ सकता है कि सोर्स एंड क्वालिटी एक्सेप्ट, सोर्स एंड क्वालिटी एक्सेप्ट वाटर बॉर्न एंड वाटर इंड्यूस्ड डिसीज़ क्या होती हैं, फ्लोराइड एंड आर्सेनिक प्रॉब्लम इन ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा वाटर रिसोर्स में, अब इसमें सोर्स एंड क्वालिटी एस्पेक्ट ये इंपॉर्टेंट है, और वाटर बॉर्न एंड वाटर इंड्यूस्ड डिसीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फ्लोराइड एंड आर्सेनिक वाला भी आप चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है मिनरल रिसोर्सेज। अब देखो क्या है मिनरल रिसोर्सेज, इसमें से आपसे क्या पूछेगा, पूछ सकता है नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल, ये भी आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज में आपसे पूछ सकता है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी के बारे में, क्या है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी, तो आप इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज से पूछ सकता है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज से आपसे पूछ सकता है डिप्लेशन क्या है, डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आपका एनवायरनमेंट इंपैक्ट ऑफ फॉरेस्ट, जी हाँ, एनवायरनमेंट इंपैक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिप्लेशन ऑन सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट, ये कहा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनर्जी रिसोर्सेज ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एनर्जी रिसोर्सेज वाला भी, तो आप ये भी देख लेना। और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिनरल वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वाटर वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी देख लेना। यूनिट नंबर थर्ड से हमने यहाँ पे पॉल्यूशन दिया है, नॉइज़ पॉल्यूशन, और क्या दिया इसमें, पॉल्यूशन एंड देयर इफेक्ट पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल, जिसमें तीन चार पॉल्यूशन है। उसके अलावा यहाँ पे आपको पता होगा वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन। हालांकि इसमें से ये तीनों इंपॉर्टेंट है, वाटर वाला, एयर वाला, नॉइज़ वाला इंपॉर्टेंट है। सॉइल वाला आप चाहें तो देख सकते हैं, इतने ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, ठीक है। आपको पता होगा वाटर पॉल्यूशन के बारे में, आप इंडस्ट्री वगैरह के बारे में लिख सकते हैं। एयर पॉल्यूशन के बारे में आप जो है जो गाड़ियाँ अभी चल रही हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, या फिर और भी जो सारे डिसीज़ हैं। उसके अलावा नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में, हॉर्न वगैरह के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आप बना के लिख सकते हैं, अगर आप नहीं पढ़ते तब भी बना के थोड़ा बहुत लिख देंगे आराम से, तो इसलिए देख लीजिए। आपको ये आपका ये जो सब्जेक्ट है, आपको पूरा का पूरा फुल मार्क्स आपका CGPA बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालेगा आपके CGPA पे। तो आप अच्छे से पढ़ लेते तो आपके 80 नंबर 85 नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है करंट एम्प्लॉयमेंट इश्यूज ऑफ इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑटोमोबाइल पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आप इसको देना, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन है और इसमें पॉपुलेशन है, तो आप दोनों चीज़ें अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन हमने और दो लिया, इसमें आपका ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, क्लाइमेट चेंज। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग बात देख लेना, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, क्लाइमेट चेंज के बारे में आप देख लेना, सारे जो है इंपॉर्टेंट है। और पांचवी जो लास्ट यूनिट है इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन के बारे में इसमें पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन हमने लिया है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या होता है, और इनिशिएटिव बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ के बारे में, जो हम आपने सुना होगा एनजीओ ये है, एनजीओ फला एनजीओ का, तो आप इनिशिएटिव बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो यानी जो प्राइवेट गवर्नमेंटेज हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ, उसके बारे में आपको देखना है। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, जो कि 1986 में बना, 1986 एक्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट एजुकेशन और वोमेन एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन और वोमेन एजुकेशन ये भी दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। अदर इंपॉर्टेंट मैंने आपसे पहले कह चुका हूँ कि अदर वाले जो क्वेश्चन है ये हम, अगर आपके पास टाइम है तो देख लीजिए, अगर आप टाइम नहीं छोड़ सकते, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपका इसमें एक क्वेश्चन आ गया तो 10 मार्क्स का आएगा, हालांकि 2 से 3 क्वेश्चन आने के इसमें चांसेस है। फर्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट एंड प्रिडिक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑन द वेव ऑफ लाइफ, ग्लोबल इकोनॉमी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या होती है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें साफ से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग फॉर शेपिंग, क्या है, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग फॉर शेपिंग स्ट्रेटजीज। अब शेपिंग स्ट्रेटजीज में 3 आपसे पूछ सकता है, कौन कौन सा, आपसे साइंटिफिक पूछ सकता है, सोशल पूछ सकता है, इकोनॉमिक पूछ सकता है और लीगल भी पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है, कौन, साइंटिफिक सोशल इकोनॉमिक एंड लीगल। फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, फॉर बायोडाइवर्सिटी सोशल इक्विटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बन सकता है, हमने इसको इंक्लूड कर दिया, आप चाहें तो इसमें अलग पढ़ते, बट मैं कहूँगा अगर आपको टाइम है तो साइंटिफिक सोशल इकोनॉमिक लॉजिकल वाला जरूर देख लेना, शेपिंग स्ट्रेटजीज वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ सकता है, अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी एज ए प्रैक्टिस इन लाइफ और सोसाइटी एंड इंडस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है इसमें, अक्वायर वैल्यू एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक सोशल चैलेंज क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है, जो कि आपका दे सकते हैं, पार्टिसिपेट एक्टिविटी इन सॉल्विंग करंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एंड प्रिवेंटिंग द फ्यूचर वंस, यानी आपको उसको सुरक्षा सावधानियों के बारे में आप सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया है ये 10 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का कराएंगे, ठीक है, 10 मार्क्स जो 8 मार्क्स जो भी होता है आपका पेपर। अब पेपर किस तरीके से होता था, आप पेपर में आपको दिखा रहा हूँ, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पेपर है, हालांकि ये ब्रांच थोड़ा अलग है, लेकिन ब्रांच से आपको मतलब नहीं, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज, क्लासीफाई न्यूरल रिसोर्सेज गिवन सुटेबल एग्जाम्पल, राइट ए नोट ऑन डिफोर्स, कहने का मतलब आप चाहो तो इसको सब कुछ देख सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूछा, तो हाँ रिन्यूएबल एनर्जी नॉन रिन्यूएबल अलग देख रहा मैं भूल गया आपको बताना, रिन्यूएबल एनर्जी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ये आप देख लेना, ठीक है, उसके रिसोर्सेज क्या है। व्हाट डू स्टैंड बाय द टर्म इकोसिस्टम के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, ग्रास लैंड के बारे में पूछा आपको इसमें, तो आप चाहें इसको पूरा पेपर देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा कोई डाउट तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बताइए आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो अपलोड होना चाहिए, और हाँ जिस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट पे आप लोग चाहते हैं, उसका सब्जेक्ट नेम, ब्रांच सेमेस्टर और एग्जाम डेट 4 चीज़ें लिखिए, तो उस पर वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों।